जैसे ही महिलाओं का नौवां महीना लगता है उनको इंतजार है कि उनका लेबर पेन कब आएगा, तो फ्रेंड्स आपको अपने लेबर पेन के लिए केवल और केवल जो डॉक्टर ने आपको ईडीडी दी है, मैं अल्ट्रासाउंड की ईडीडी की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको डॉक्टर ने जब आप विजिट पर जाते हो डॉक्टर आपको आपके स्लिप पर ईडीडी लिख कर देती है। आप जैसे कि फर्स्ट विजिट के लिए गए थे तो डॉक्टर ने आपकी एलएमपी को कैलकुलेट करके एक ईडीडी आपको दी होगी, जैसे कि ईडीडी होती है 9 मंथ कंप्लीट होने के प्लस 1 वीक, तो इसी डिलीवरी डेट तक आपको वेट करना चाहिए, मतलब ईडीडी तक वेट करना चाहिए, इसके बाद वेट नहीं करना चाहिए। ये जो ईडीडी होती है वो 40 वीक 41 वीक के करीब होती है, तो तब तक आप वेट करें, इससे ज़्यादा वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट करने पर घर में बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम होने पर घर में बच्चा पॉटी कर सकता है और वही पानी बच्चा पी सकता है, इस वजह से बच्चे की जान पर खतरा आ सकता है, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए अगर ईडीडी तक भी लेबर पेन नहीं आ रहा है तो ज़्यादा वेट ना करें, तुरंत जाके डॉक्टर से